हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका के टॉप 5 हाईएस्ट फार्मिंग स्टेट, अमेरिका के 5 राज्य जहां सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है, और साथ में यह भी जानेंगे कि उन राज्यों में होने वाली 5 प्रमुख फसलों के बारे में। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नंबर 5, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया पड़ता है वेस्टर्न पश्चिमी अमेरिका में। इसकी राजधानी है सैक्रामेंटो। कैलिफोर्निया की कुल जनसंख्या 4 करोड़ है। अगर बात करें कैलिफोर्निया के एग्रीकल्चर की, कैलिफोर्निया में कुल 76,400 फार्म है और इससे सालाना 10,000 करोड़ का बिजनेस होता है। कैलिफोर्निया में 400 से अधिक प्रकार की खेती बाड़ी होती है और 30% अमेरिका की सब्जियाँ यहीं से आती हैं। 70% फल और ड्राई फ्रूट भी यहीं से आते हैं। अब बात करते हैं कैलिफोर्निया में 5 प्रमुख कृषि व्यवसाय की। एलमंड, बादाम। पूरे विश्व के 80% बादाम कैलिफोर्निया से आते हैं। इसका सालाना बिजनेस 600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट। कैलिफोर्निया में 1200 लाइसेंस डेयरी फार्म है जिसका कुल बिजनेस सालाना 600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। यहाँ की गाय प्रतिदिन 30 से 40 लीटर दूध देती हैं। ग्रेप्स, अंगूर। दोस्तों, 99% अंगूर अमेरिका में कैलिफोर्निया से आते हैं। कैलिफोर्निया अंगूरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर अंगूरों से बनने वाली शराब की काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं और इसका सालाना बिजनेस 500 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। स्ट्रॉबेरी, कैलिफोर्निया में 88% अमेरिका की स्ट्रॉबेरी उगाई जाती हैं। इसका सालाना बिजनेस 200 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। पिस्ता, कैलिफोर्निया में फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। उनमें से एक ड्राई फ्रूट्स है पिस्ता, जिसका कुल सालाना बिजनेस 195 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। ओक्लाहोमा, ओक्लाहोमा पड़ता है दक्षिण मध्य अमेरिका में और इसकी कैपिटल है ओक्लाहोमा सिटी। यहाँ पर कुल 78,000 खेत हैं जो कि 3,40,000 एकड़ में फैले हुए हैं। अब जानते हैं ओक्लाहोमा के 5 प्रमुख कृषि व्यवसाय के बारे में। कैटल फार्मिंग, पशुपालन। यहाँ पर पशुपालन बहुत बड़े स्तर पर होता है जिसका सालाना बिजनेस 300 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। ओक्लाहोमा में करीबन 50 लाख से भी ज़्यादा मवेशी हैं। हॉक्स, पालतू सुअर। ओक्लाहोमा में 21 लाख पालतू सुअर हैं जिसका यहाँ पर पॉक यानी सुअर के मीट का व्यवसाय होता है। करीबन 12,000 लोग यहाँ पर इस इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसका सालाना बिजनेस 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन। ओक्लाहोमा में 20 करोड़ मुर्गियां हैं और इसका सालाना बिजनेस 74 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। वीट, गेहूं। यहां पर 50 से 60 लाख एकड़ में गेहूं की खेती होती है जिससे यहां पर 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। कॉटन यानी कपास। ओक्लाहोमा में 6 लाख एकड़ में कॉटन की खेती होती है। इसका सालाना रेवेन्यू 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। नंबर 3 पर आयोवा। आयोवा पड़ता है मध्य पश्चिमी अमेरिका में। इसकी कैपिटल है डेस मोइंस। आयोवा के पास 86,000 फार्म है। यहाँ पर 90% जमीन पर खेती बाड़ी होती है। यहाँ का हर 6 में से एक व्यक्ति कृषि व्यवसाय से जुड़ा है। अब बात करते हैं आयोवा के 5 प्रमुख कृषि व्यवसाय के बारे में। कॉर्न, मक्का। आयोवा में अधिकतर मक्का पशुओं को खिलाने के लिए और अल्कोहल शराब बनाने के लिए यूज होता है। इसका सालाना व्यापार 800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। हॉग्स, अमेरिका में पॉक यानी पालतू सुअरों का मीट काफ़ी खाया जाता है। आयोवा में 5 करोड़ हॉग्स हैं और आयोवा अमेरिका का नंबर 1 राज्य है पॉक मीट का उत्पादन करने के लिए। इसका सालाना बिजनेस 750 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। सोयाबीन, अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। इसका इस्तेमाल बेबी फूड बनाने में, मेडिसिन, मिल्क, नूडल्स, केक, कैंडीज और डाइट फूड बनाने में होता है। इसका सालाना व्यापार 450 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। चिकन एग्स, मुर्गी के अंडे। आयोवा अमेरिका में नंबर 1 पर आता है अंडों के उत्पादन में। आयोवा में करीबन 6 करोड़ मुर्गियाँ हैं और हर साल करीबन 150 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है। इसका सालाना व्यापार 200 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। डेयरी प्रोडक्ट, आयोवा में डेयरी प्रोडक्ट का सालाना व्यापार 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। आयोवा में करीबन 2,10,000 के आसपास दूध देने वाली गायें हैं और 1,700 काउ डेयरी फार्म हैं। नंबर 2 पर आता है मिसूरी।
मिसूरी पड़ता है मध्य पश्चिमी अमेरिका में। इसकी कैपिटल है जेफरसन सिटी और इसकी जनसंख्या है 61 लाख। मिसूरी के पास लगभग 95,000 खेत हैं, जो कि 75% मिसूरी की जमीन पर फैले हुए हैं। अब बात करते हैं मिसूरी की 5 प्रमुख कृषि व्यवसाय के बारे में। सोयाबीन। मिसूरी में सोयाबीन सबसे ज़्यादा उगाने वाली फसल है। हर साल 50 लाख एकड़ में सोयाबीन का उत्पादन होता है। सोयाबीन से मिसूरी को करीबन 250 करोड़ अमेरिकी डॉलर का सालाना व्यापार होता है। कॉर्न। मक्का। मक्का का सालाना व्यापार 160 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। यहाँ पर 30 लाख एकड़ में मक्के की खेती की जाती है। हॉक्स। पालतू सुअर। मिसूरी में करीबन 35 लाख पालतू सुअर हैं और इसका सालाना व्यापार 88 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। पोल्ट्री फार्म। मुर्गी पालन। अमेरिका में मिसूरी का स्थान मुर्गी पालन में 10वें नंबर का है। मिसूरी में करीबन 30 करोड़ ब्रॉयलर चिकन हर साल प्रोड्यूस होते हैं। इसका सालाना बिजनेस 68 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। मिल्क प्रोडक्शन। दूध का उत्पादन। मिसूरी में करीबन 700 डेयरी फार्म हैं, लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड, और 80,000 गाय हैं। इसका सालाना व्यापार 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। नंबर 1 पर आता है टेक्सास। दोस्तों, टेक्सास पड़ता है दक्षिण मध्य अमेरिका में। टेक्सास की कैपिटल है ऑस्टिन और इसकी कुल जनसंख्या है 3 करोड़। दोस्तों, एक कहावत है कि टेक्सास में हर एक चीज़ बड़ी होती है। एवरीथिंग इज बिगर इन टेक्सास। टेक्सास में करीबन 2,45,000 फार्म हैं और औसतन फार्म का साइज 550 एकड़ का है। अब बात करते हैं टेक्सास में होने वाली 5 प्रमुख फसलों की। मिल्क प्रोडक्शन। टेक्सास में करीबन 5 लाख दूध देने वाली गाय हैं और सालाना व्यापार 250 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। यहाँ पर करीबन 400 डेयरी फार्म हैं। कॉटन। कपास। टेक्सास में कॉटन की खेती बहुत बड़े स्तर पर होती है। पूरे अमेरिका में टेक्सास सबसे ज़्यादा कॉटन का उत्पादन करता है। इसका सालाना व्यापार 200 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। कॉर्न। मक्का। टेक्सास में 20 लाख एकड़ में मक्के की खेती की जाती है और अमेरिका में यह 4th स्थान पर आता है। इसका सालाना व्यापार 130 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। हे। पशुओं को खिलाने वाली घास। टेक्सास में हर साल 1,20,00,000 टन हे घास का उत्पादन होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि टेक्सास में पशुपालन बहुत बड़े स्तर पर होता है और पशुओं के भोजन के लिए हे घास बहुत ही अच्छा साधन है। इसका सालाना व्यापार करीबन 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। एग। अंडे। टेक्सास में करीबन हर साल 500 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है। इसका सालाना व्यापार 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो में क्या पसंद आया और आप कैसी वीडियो देखना पसंद करते हो। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you.